बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़, मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल्स मंजूर करने से इनकार। विफाक की हुकूमत को बिल्स पर नजरसानी की हिदायत कर दी। आरिफ अलवी ने कहा, कानून साजी से कबल आगाह ना करके आर्टिकल 40 की खिलाफ वर्जी की गई। तरमीम को कौमी असम्बली और सेनेट ने जल्दबाजी में मंजूर किया। तरमीमी बिल पाकिस्तान में एहतसाब के अमल को दफन कर देगा। कुछ भी करें, दो घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिजली की तवील बंदिश पर इजहार बरहमी। वुजरा और हुकाम पर बरस पड़े। वजीर आजम की ज़ेर सदारत लोड शेडिंग से मुतालिक हंगामी इजलास। लोड शेडिंग की वजूहात, मुहर्रकात और सदेबाब के लिए इकदामात का जायजा लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, कोई वजाहत नहीं चाहिए, अवाम को लोड शेडिंग से निजात चाहिए। अवाम तकलीफ में है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अरबों रुपए और कीमती वक्त ज़ाया करने के बावजूद पीटीआई हुकूमत गवादर के लोगों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम रही। गवादर के लोगों के लिए कोई भी पानी और बिजली का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। बंदरगाह और एयरपोर्ट पर कोई बड़ा कार्गो जहाज लंगरअंदाज नहीं हो सकता। अब गवादर यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट की फौरी तकमील और साफ पानी के लिए प्लांट लगाने का हुक्म दिया है। शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी। एफआईए ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करते हुए गिरफ्तारी मांग ली। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब ने लाहौर की स्पेशल कोर्ट में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। बगावत और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 10 जून को गवाहों को तलब कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर थाना इस्लामपुरा में इंतशार अंगेज तकारीर का मुकदमा दर्ज है। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, तमाम वुजरा का पेट्रोल कोटा खत्म करने का ऐलान। लीगी रहनुमा अता ताड़ कहते हैं, पंजाब में कोई भी वजीर सरकारी पेट्रोल नहीं लेगा। सरकारी काम के लिए जाने वाले वुजरा भी जाती खर्च पर पेट्रोल डलवाएंगे। सीएम हाउस पर शहाना अखराजात पर फौरी पाबंदी लगा दी। पंजाब हुकूमत बजट में बड़ा रिलीफ देगी, मुख्तलिफ सब्सिडीज फराहम की जाएंगी। इमरान न्याजी आज भी सरकारी अखराजात पर पल रहा है। मिनरल वाटर भी केपी हुकूमत के खर्च से पीते हैं। सियासी लड़ाई लड़नी है तो इस्लामाबाद आएं, पिशावर में क्यों बैठे हैं? ख्वाजा आसिफ की साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर इस शख्स की मुफ्तखोरी जारी है। इमरान ने नौजवान नस्ल की जो तरबियत की है, इस पर अफसोस है। पीटीआई वाले आज भी असम्बली में आने के लिए बेताब हैं। 4 साल पीटीआई ने हर मामले पर पैसा खाया। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। यकीन है इस बहरान से निकलने में कामयाब होंगे। बच्चा बच्चा मुल्की दिफा के लिए पुरज़्म है। अगर आपसे हुकूमत नहीं हो रही तो साजिश क्यों की? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का वजीर आजम शहबाज शरीफ से सवाल। अपर दीर में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा, शहबाज शरीफ बहुत घबराए हुए हैं, साजिश करके आए हैं तो अब जिम्मेदारी भी लें, मंशियत ठीक करके दिखाएं। अच्छी भली हमारी हुकूमत चल रही थी, इसे क्यों गिराया? आईएमएफ ने पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने को कहा तो मैंने कम कर दी। फजलुर रहमान समेत ये लोग आवाम में नहीं निकल सकते, इन्हें मुंह छुपाना पड़ता है। चाहता हूं इंसाफ और हक के लिए नौजवान खड़े हों। काफ लीग के रहनुमा मोनस इलाही की हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। ट्विटर पर कहते हैं, पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई की स्पीड में तारीखी इजाफा। पेट्रोल तारीख में सबसे महंगा, बिजली तारीख में सबसे महंगी, डॉलर तारीख में महंगा, गैस तारीख में महंगी हुई, ये है शहबाज स्पीड। पीटीआई रहनुमाओं की नून लीग के खिलाफ ट्विटर पर महाज खोल लिया। फवाद चौधरी कहते हैं, एफआईए को शहबाज और हमजा को गिरफ्तार करने की इजाजत दी जाए।
सुप्रीम कोर्ट के बरवक्त नोटिस की वजह से यह मुमकिन हुआ। आवाम उम्मीद करते हैं अदालतें इंसाफ करें और कानून नाफिज करें। असद उमर ने लिखा, मुल्की इदारे अरबों की करप्शन केस में वजीर आजम और वजीर आला की हिरासत का मुतालबा कर रहे हैं। 22 करोड़ के एटमी ताकत वाले मुल्क के ऊपर कैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए। पेट्रोल और बिजली बॉम्ब के बाद अवाम पर गैस बॉम्ब भी फेंकने की तैयारियां। ओगरा की सुई नॉर्दर्न के लिए 45 और सुई सदरन के लिए 44% इजाफे की मंजूरी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 266.58 रुपए और सुई सदरन के लिए गैस 308.53 रुपए फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दी गई। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में आग भड़क उठी। मेडिकल स्टोर में मौजूद करोड़ों रुपए की अद्वियात जल कर राख। पुलिस हुकाम के मुताबिक आग अस्पताल के तीसरे फ्लोर पर कायम मेडिकल स्टोर में शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी, जिसने देखते ही देखते पूरे फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। आज मुल्क भर में सूरज का पारा हाई रहा। लाहौर में दर्जा हरारत 44 डिग्री से भी तजावुज कर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में पारा 40 डिग्री को छू गया। सिंध और बलोचिस्तान में भी आज सूरज आंखें दिखाता रहा। गर्मी की शिद्दत से शहरी हल्का। मुल्क भर में अंधाधुंध लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। बिजली का शॉर्टफॉल 6,865 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की बंदिश का दौरान या 14 घंटे से भी तजावुज। बिजली की मजमू पैदावार 19,135 मेगावाट जबकि कुल तलब 26,000 मेगावाट है। बिजली की कम पैदावार का खुमियाजा आवाम को लोड शेडिंग की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। और फ्रांसीसी सदर ने यूक्रेन पर हमले को प्यूटन की तारीखी गलती करार दे दिया। सदर एमैनुअल मैक्रोन कहते हैं, रूसी सदर ने यूक्रेन पर चढ़ाई करके इस वक्त तन्हाई का शिकार हैं। रूस की तजलील नहीं की जानी चाहिए ताकि जिस रोज ये लड़ाई रुके तो हम सिफारती तरीके से कोई राह हमवार कर सकें। हेडलाइंस आपने जानी टैलेंट न्यूज से। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज।